मेहरमा ये लो। मेहमत बेटा मुंह खोलो, ये लो। निगार कहाँ है? लापरवाह होती जा रही है मुझसे, कुल निहाल भी नहीं है। निगार शाही काल्पा हो गई है ना इस वजह से। शाही काल्पा? समझी नहीं। यानी सब काल्पाओं की सरबरा दाया खातून और सुम्बुल आवा के बाद अब उसी का हुक्म चलेगा हरम में। ये लो मेहरमा। किसने बनाया है उसे? वालदे सुल्तान के हुक्म पर ही होता है ये सब। समझी नहीं कैसे हो गया। जाओ निकाल को बुला कर लाओ। मलिका, मुझे याद किया आपने? तुम्हें मनसब से बरतरफ कर दिया है मैंने। मलिका, मुझसे नाराज हैं आप? तुम्हें शाही काल्पा बना दिया गया है। जी हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया? हादसों में उलझकर भूल गई बताना। क्या सबब है इस अचानक तरक्की का? जरूरत पेश आ रही थी। हर रोज महल में हादसे रूमा हो रहे हैं, तो हरम के निजाम की दुरुस्तगी के लिए वालिद सुल्तान ने यही मुनासिब समझा। अच्छा, तो ये कहो ना कि मेरे हाथ और लंबे हो गए हैं। मेरे प्यारे जिगर पारे, बहुत याद कर रहे थे मुझे। मेरा भी दिन नहीं गुजरता जब तक तुम सबको देख ना लूं। मेहरमा, निकाल काल्पा, खैरियत? कोई मसला है क्या? जी नहीं मलिका। तो किस लिए आई हो यहाँ? शिफा खाने जाना था हुरम सुल्तान के साथ। क्या ये इतना जरूरी है निकाल काल्पा? मेहरमा, मेरे जान के टुकड़े, दिन ब दिन कितनी खूबसूरत होती जा रही हो तुम। खूबसूरत होने के साथ अकलमंद भी है वालिदा। मेरे सारे पोता पोती ऐसे ही हैं। परवरदिगार इनकी उम्रें दराज करे, नसीब खोले, कामयाब करे इनको। खजीना की खुशखबरी भी जल्द आ जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई मसला हो तो कहलवा देना, दाया फौरन हल कर देगी। बहुत शुक्रिया वालिदा, आपकी आमद मेरे लिए एजाज से कम नहीं। अस्मा, इधर आओ। बच्चों को लेके बाहर जाओ, ताजा हवा में खेल लें। फिर जरा निगार काल्पा को खबर भिजवाओ कि मेरे पास आए।
क्या मामला है निकार? अभी तुम आई थी, आंख का इशारा करके चली गई। कुछ हुआ जरूर है, बहुत खास चीज है मलिका, जो वालिदा सुल्तान के सामने नहीं दे सकती थी। क्या? लियो अफंदी ने आपके लिए तस्वीर भेजी। कैसी तस्वीर? वो तो यही कह रहे थे कि आपकी फरमाइश थी। हाँ बिल्कुल सही, मैंने ही कहा था उसे। ठीक है, तुम जा सकती हो। एलेक्स, मेरी परियों जैसी मोहब्बत, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। अपनी सरजमीन लोथेनिया वापस जा रहा हूँ। बस जाने से पहले आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें मैं महसूस करना चाहता हूँ। बकिया सारी जिंदगी तुम्हारे इश्क में गुजारने का अहद करने वाले एक दुखी इंसान की ख्वाहिश पूरी कर दो। कल शाही बागीचे में चश्मे के पीछे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अल्लाह माफ़ फरमा दे कि मैंने क्या कर दिया।